असम में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी द्वारा आहूत बंद आम जनता का शोषण है। कार्यकर्ता की शिकायत के बाद राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एनजीओ सहाय के अध्यक्ष राजू महंत ने मोरीगांव सदर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि कांग्रेस ने असम में आम जनता के अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि बंद के कारण मरीजों को अस्पताल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। महंत का एनजीओ बेसहारा बुजुर्गों और वंचित बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि गौहाटी उच्च न्यायालय के पिछले साल दिए आदेश के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अदालत ने पिछले साल राज्य में हड़तालों को अवैध एवं असंवैधानिक करार दिया था। कांग्रेस ने तेल के बढ़ते दामों और रुपयों की गिरावट को रोक पाने में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार की असमर्थता के खिलाफ सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया था। भाजपा शासित राज्य असम में दिन की शुरुआत में बंद समर्थकों के ट्रेनों की आवाजाही रोकने, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और टायर जलाने आदि से जनजीवन प्रभावित हुआ। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।